विपुला क्यों न सो मेनू होगी, प्यारा वत्स अलग झिलकी आंखों से हो गया है। उठो कैसे व्यथित अहिसो, जी सकेगा बता दो जीवनों में शि रतन जिसके शीश का खो गया। यहाँ यशोदा जी यह कहती है कि हे उठो, वह उद्दिग्न यानी कि वह धेनु उद्दिग्न क्यों न होगी। वे प्रश्न करते हैं उदो से कि हे उदो, वह धेनु यानी कि गाय उद्दिग्न क्यों, उद्दिग्न यानी पीड़ित क्यों न होगी, जिसका मन व्यथित हो जाए ऐसी क्यों न होगी। क्योंकि अब वह क्या कहते हैं कि वह उद्दिग्न क्यों है, तो प्यारा वत्स अलग झिलकी आंखों से है। वह यह कहना चाहती है कि उदो उनके उनका जो प्यारा वत्स यानी उनका जो बालक यानी कि गाय का जो बालक बछड़ा होता है वह उससे अलग हो गया है, तो वह उद्दिग्न हो गई है। उदो कैसे व्यथित अही सोच सकेगा बता दो, जीवन मवेशी रतन जिसके शीश का खो गया है। अब और आगे एक उदाहरण देते हुए यशोदा अपनी व्यथा को समझाने का प्रयत्न करती है और रोते हुए कहती है कि जो जिसके सर का नाग मणि जो मणि होता है वह खो गया ऐसा सा ऐसा ना अपना सिर पटक पटक कर रोएगा, क्योंकि उनका जीवन का आधार खो गया है। कोई देखे न सब जग के बीच छाया अंधेरा, अब कोई सारे जग के बीच छाया अंधेरा यानी कि उसकी आंखों की रोशनी छीनी जाती है। ऐसे में उनको कोई ना नीच जग की ज्योति मिलने लगा। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे उठो, ऐसी संसार में देखने की दृष्टि किसी की चली ना जाए, निज दृष्टि कोई न गवा, निज द्रव्य की दृष्टि कोई न गवावे, क्योंकि ऐसी दृष्टि चले जाने पर कुछ नहीं दिखता, अंधेरा ही अंधेरा आंखों के सामने छाया होता है। यानी कि हमारे जीवन का यानी कि यशोदा के जीवन का जो आधार है वह उनका बेटा है वह खो गया है, तो इस प्रकार कोई भी अपना बालक न खोए जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली जाए। यानी कि आंखों की रोशनी जाने की बात नहीं है मगर जीवन में अंधेरा छाने की बात कही गई है। रो रो ओ हो विकल न सभी बाल बीते किसी के, पीड़ाएं सकल न किसी मर्म भेद व्यथा। अब यहाँ यशोदा जी और आगे अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहती है कि रो रो हो विकल न सभी मार बीते किसी के, यानी कि रोकर और सर पटक पटक कर किसी के जीवन के वार न बीते, यानी सोमवार मंगलवार सभी वार एक से हो जाते हैं और रो रो के वे बीते नहीं, पीड़ा एक सफल न किसी मर्म भेद व्यथा। अब ऐसे में ऐसी पीड़ा होती है कि जो हम कह न सके, जो हम कह ना सके, जिसका हम वर्णन ना कर सके, ऐसी मर्मभेदी व्यथा होती है। तो भी तो इस प्रकार कोई अपना बालक ना गवा।